Hi everyone, welcome and welcome back to our channel Kirti Paspe Classes. So guys, अगर आप भी 12th class में पढ़ रहे हो या फिर आप 12th pass out student हो and आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको 12th के बाद कौन सा course जो है वो join करना चाहिए, किस career option के तरफ आपको बढ़ना चाहिए जिसमें आपको job opportunities भी बहुत अच्छे से मिले and जो भी आपने study के time पे अपने पैसे लगाए हैं उससे ज़्यादा आप कमा सको. ठीक है, आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसको करने के बाद आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भर भर के मिलती हैं. गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि गवर्नमेंट हर साल आप लोगों को बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में देती है. एंड अगर आपका स्टार्टिंग में गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाता है तो भी आप प्राइवेट जॉब करके बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हो. ठीक है, बहुत सारा सस्पेंस क्रिएट हो गया है तो चलिए इस सस्पेंस को ख़त्म करते हैं. मैं आपके साथ आज जिस कोर्स के बारे में बात करने वाली हूँ वो है नर्सिंग का कोर्स. नर्सिंग के अंदर हमारे पास मेनली तीन तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, ANM, GNM दोनों डिप्लोमा कोर्सेज हैं. देन हमारे पास आता है BSc नर्सिंग जो कि एक डिग्री कोर्स है. ठीक है, तो हम आज की वीडियो में GNM और BSc नर्सिंग के बारे में बात करेंगे, ANM के बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे. सो गाइज, अब इन कोर्सेज के बारे में सुनकर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे जैसे कि दोनों में से कौन सा कोर्स जो है वो आपको करना चाहिए, किसकी डिमांड ज़्यादा है, किसमें सैलरी आपको ज़्यादा मिलती है एंड दोनों कोर्सेज को करने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशंस जो है वो चाहिए और ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ बात करेंगे. तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक एंड वीडियो को हम अभी स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया दैट GNM जनरल मिडवाइफ नर्सिंग इज अ डिप्लोमा कोर्स. ऑन दी अदर हैंड जो BSc नर्सिंग है वो एक डिग्री कोर्स है. अकॉर्डिंग टू दैट आपको BSc नर्सिंग में कुछ ज्यादा फायदे मिलेंगे एज कम्पेयर टू GNM नर्सिंग, क्योंकि GNM एक डिप्लोमा कोर्स है तो उसमें थोड़े बहुत जो फायदे हैं वो आपको कम मिल सकते हैं. ठीक है, बट दोनों कोर्सेज अपने आप में बहुत अच्छे कोर्सेज हैं एंड अगर आप इनमें से कोई सा भी करते हो तो वो आपको फ़ायदा ही देगा फ्यूचर में, इसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको. सो चलिए अब मैं आप लोगों को मेन पॉइंट्स जो हैं इन कोर्सेज को करने के उनके बारे में हम अभी बात करते हैं. तो चलिए अब हम जो मेन पॉइंट्स हैं इन कोर्सेज को करने के बारे में उनको डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले आता है हमारा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया. सो गाइज, दोनों कोर्सेज के लिए जो हमारा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो अलग अलग है. सबसे पहले मैं GNM की बात करूँ तो अगर आप GNM कोर्स को परस्यू करना चाहते हो तो आपकी 12th जो है वो किसी भी फील्ड से हो सकती है. हमने आर्ट सब्जेक्ट लिए थे या फिर आपने साइंस लिया था या आप कॉमर्स के स्टूडेंट थे तो आप इन तीनों कंडीशंस में GNM परस्यू कर सकते हो. इसके लिए आपको कोई अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं चाहिए. हाँ, जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपके पासिंग मार्क्स जो है वो कम से कम आए होने चाहिए. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है. बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप BSc नर्सिंग परस्यू करना चाहते हो, इन दैट केस ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो 12th है वो आपकी PCB से हुई होनी चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, मेडिकल सब्जेक्ट्स के साथ जो है कंप्लीट किया होना चाहिए तभी आप BSc नर्सिंग के लिए एलिजिबल हो. ठीक है, तो ये तो था आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में. सो गाइज, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आप इन कोर्सेज में कैसे एडमिशन्स ले सकते हो, क्या सिलेक्शन. सबसे पहले BSc नर्सिंग की बात करते हैं. अगर आप BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद जो भी आपके मार्क्स होंगे उन मार्क्स के बेसिस पर ही आपको कॉलेज जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो. ठीक है, अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो हर स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से कंडक्ट कराती है, मतलब हर स्टेट का एक अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है. ठीक है, सेकंड इसमें एक चीज़ और है वो है नीट एग्जामिनेशन. बहुत सारे कॉलेजेस हैं जैसे कि एम्स के कॉलेजेस हो गए, भुवनेश्वर, जिपमर का कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं वो नीट एग्जामिनेशन के थ्रू ही BSc नर्सिंग कोर्सेज के लिए ज्वाइनिंग करवाते हैं. ठीक है, मतलब आपके अगर नीट में जितने मार्क्स हैं उस उन परसेंटेज के बेसिस पर ही आपको जो है इन कॉलेजेस में सीट्स मिलेंगी. नेक्स्ट है GNM के बारे में. सो अगर आप GNM कोर्स में ज्वाइनिंग लेना चाहते हो तो इसके लिए भी आपके पास दो रास्ते होते हैं. पहला, सेम जैसे BSc नर्सिंग का होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन,
दूसरा होता है आपके 12th के परसेंटेज के बेसिस पे। सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो हर स्टेट में नहीं कराया जाता है फॉर द GNM कोर्स। GNM कोर्स के लिए कुछ कुछ ही स्टेट्स ऐसी होती हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती हैं। तो सिमिलरली आपके जो परसेंटेज बनेगा एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बेसिस पे, उस बेसिस पर ही अगेन आपको सीट्स जो हैं वो एलोकेट की जाती हैं। सेकेंड ऑप्शन जो रहता है आपका परसेंटेज 12th की परसेंटेज के बेसिस पे, तो वहाँ पर एक तो बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है। सेकेंड जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये वेज हैं जिनके थ्रू आप GNM या BSc कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो GNM कोर्स को करने के लिए अराउंड 4 to 6 lakhs तक का खर्चा आराम से आ जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो आपका BSc नर्सिंग का कोर्स है उसको करने के लिए आपका 6 to 8 lakh का खर्चा आराम से आ जाता है, ठीक है। बट घबराइए मत, अगर आपका परसेंटेज 12th का बहुत अच्छा है, जैसे आपके स्टेट में अगर GNM जो है वो परसेंटेज के बेसिस पे आपको एडमिशन देती है गवर्नमेंट, तो उस सिनेरियो में अगर आपके 12th की परसेंटेज बहुत अच्छी है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और गवर्नमेंट कॉलेज में आपका जो खर्चा है ना वो ना के बराबर होता है, चाहे फिर वो आप BSc नर्सिंग कर रहे हो या फिर आप GNM कर रहे हो। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अपने 12th की स्टडी बहुत अच्छे से करिए, एंड जो आप भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसकी अच्छे से प्रेपरेशंस करिए और अच्छे मार्क्स स्कोर करने की ट्राई करिए, ठीक है। एंड ट्राई करिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन मिले, ठीक है। उससे आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके ऊपर भी बर्डन जो रहेगा वो बहुत ही मिनिमम रहेगा और बहुत ही कम पैसों में आप ये दोनों कोर्सेज जो हैं वो बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक्सपोजर भी बहुत अच्छा रहता है आप लोगों का क्लिनिकल वर्क का, तो आपको ये अलग से एक बेनिफिट जो है वो देखने को मिलता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर मेहनत करिए। नेक्स्ट है गाइज आपका इन दोनों कोर्सेज का कोर्स ड्यूरेशन, कि GNM कितने साल की होती है और BSc नर्सिंग कितने साल की होती है। सो जो GNM है वो होती है आपकी 3.5 years की। 3 years आपके प्रॉपर क्लिनिकल प्लस जो आपकी स्टडीज होती हैं, एंड जो 6 months है वो आपके इंटर्नशिप के रहते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो आपका BSc नर्सिंग है वो आपका 4 years का डिग्री कोर्स है, ठीक है। इसके अंदर आपको अगेन 3.5 years जो हैं आपके वो आपका क्लिनिकल प्लस आपका जो भी थ्योरेटिकल स्टडीज का रहेगा, एंड जो आपके 6 months हैं वो आपके इंटर्नशिप के रहते हैं, ठीक है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पॉइंट में हम बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। किस कोर्स को करने के बाद आपको जॉब जो है वो ज़्यादा मिलती हैं, आप ज़्यादा पैसे किस कोर्स को करने के बाद कमा सकते हो, ठीक है। सो गाइज देखो, अगर तो आप बात करो प्राइवेट फील्ड की, गाइज अगर हम बात करें प्राइवेट फील्ड की, तो प्राइवेट फील्ड में GNM नर्सिंग की और BSc नर्सिंग दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही सैलरी होती है, ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं होता आपकी सैलरी में, आपकी डेजिग्नेशन किस एरिया में है, आप किस पोस्ट पे डेजिग्नेट हो रहे हो उसके ऊपर आपका फर्क पड़ता है, ठीक है। बट सैलरी आपको प्राइवेट में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, बट आज के टाइम में आपकी नर्सिंग की जो सैलरी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी 20 to 25+ सैलरी जो है आपको एज अ फ्रेशर मिल जाती है बहुत ही ईजीली, ठीक है। मेन डिफरेंस आपका आता है जब आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हो। गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए अब अगर आपने BSc नर्सिंग किया हुआ है तो आप एज अ फ्रेशर भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम को भर सकते हो और उस एग्जाम में बैठने के लिए आप एलिजिबल हो। आप लोगों से कोई अलग से एक्सपीरियंस जो है वो मांगा नहीं जाता है BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ मैं। ये आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 70+ होती है, 70,000+, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर रही हूँ इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ इजिली। और अगर आप लोगों को कोई ये बोले कि ये मैम तो झूठ बोल रही हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता, नहीं गाइज ऐसा ही होता है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 70+ ही होती है, ठीक है। हाँ, एरिया का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, जो आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं उसमें थोड़ा बहुत कम होने की वजह से आपकी सैलरी जो है वो 60+ हो सकती है कुछ एरियाज़ में। बट मोस्टली जो एरियाज़ हैं जैसे दिल्ली जैसे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको 70+ सैलरी ही मिलती है आफ्टर जो एग्ज़ाम है गवर्नमेंट के लिए वो क्लियर हो जाता है और आपको नर्सिंग ऑफिसर की जॉब मिल जाती है, तो ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं जीएनएम नर्सिंग के बारे में। सो गाइज, अगर आपने जीएनएम किया हुआ है तो आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को देने के लिए मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट रहता है। जो आपका एक्सपीरियंस है वो मिनिमम टू मिनिमम 50-bedded हॉस्पिटल में होना चाहिए, और अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लेते हो तो आप इजिली गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और एग्जामिनेशन में बैठ कर उसे क्रैक ऑफिसर बन सकते हो। और गाइस, नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे ज्वाइन करने के बाद की जो सैलरी है वो सेम रहती है एज अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। ठीक है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि अगर आपने जेएनएम किया हुआ है तो आपकी सैलरी कम होगी और आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। दोनों कोर्सेज करने वाले जो भी नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं उनकी सैलरी सेम होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको 70K प्लस ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके अलावा आप जेएनएम के लिए जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर वैकेंसीज निकलती रहती हैं, तो वहाँ पर बिना एक्सपीरियंस के भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइज, अगर आपने भी नर्सिंग फील्ड में जॉब करने का सोचा है तो जैसे मैंने आपको अभी क्वालिफिकेशंस बताई हैं उसको देखते हुए आप जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन्स ले सकते हो। एंड दोनों कोर्सेज को करने के बाद आपका फ्यूचर ब्राइट ही है, क्योंकि आपको जॉब्स की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, भर भर के आपको जॉब्स मिलने वाली हैं एंड सैलरी भी आपको बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। इट्स ऑल फॉर आवर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और अगर आपने हमारी वीडियो को पसंद किया हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, बिग थम्स अप दे सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जो भी हमने अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है उसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए। ट्राई करूंगी कि जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज का रिप्लाई दिया जाए। इसके साथ ही हम अपनी आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।